हमसे बौद्धिक उत्तराधिकारी क्या मर गए, हमसे बौद्धिक उत्तराधिकारी क्या बेईमान हो गए, हमसे बौद्धिक उत्तराधिकारी क्या अंधे हो गए, जो माधव सोने के देश को खंगालने के लिए हम इन चीजों के बजाय स्थैतिक चीजों खड़ी हुई चीजों की माधव सपने इतनी गरीबी देखी, अपने जीवन में इतनी तकलीफें देखी। मैंने सुना है कि एक लेखक की किताब को छत्तीसगढ़ की सरकार ने 300 रुपये प्रति किताब की दर से 4,000 किताबें 12 लाख में खरीदी। अगर 12 लाख रुपये वीर शर्मा करोड़ और अशोक सपने को इस संस्थान के लिए दे दिए जाए तो नकल में उनकी सारी किताबें दोबारा छप जाएंगी, अनंत काल के लिए छत्तीसगढ़ को निकालने का रास्ता रहेगा। इसकी क्या शुरू की बात की बात से बहुत ही परेशान है हमारे, हमको तो इस्लामाबाद में कुर्सी मिली, असल हम उस कुर्सी पर बैठने वाले सचिव नहीं है। अब मंत्री जी नहीं आए, अगर मंत्री जी नहीं आए तो आप ही को कह सकते हैं कि आप उसकी कुर्सी बैठ जाए। हमारे सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को, सारे हो सकने वाले विधायकों को, हो सके हुए विधायकों को, अब सबको चुनाव की चिंता है, उनको चिंता का चुनाव क्यों है, वो चुनाव की चिंता कर सकते हैं। और इस तरह की सामाजिक चिंता का चुनाव अगर ठीक से करते हैं तो हम माधव सपने के यश को खंगालने वाले सही मानस पुत्रों के रूप में उनकी बात करने का, उनके संबंध में कुछ कहने का अपना अधिकार सुरक्षित करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं ज्यादा बोल गया है, ज्यादा मैं ऐसा बोल गया कि अशोक सपने और मैं दोनों अध्यापक रहे थे, बहुत कोशिश करने पर भी 45 मिनट से कम बोलना किसी अध्यापक के लिए बहुत मुश्किल का काम होता है। फिर भी मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपके बीच बता रहा हूँ कि जिसको लेकर इतने केवल बता नहीं हो जाए, हमने कोशिश की थी कि ये काम हो जाए, सरकार ने उसको किया जाए, लेकिन वो आधे रास्ते का पूरा मामला अटका हुआ है। और इसलिए माधव और सपने के लिए उसको उठाने के लिए, उसको खंगालने के लिए ऐसी घोषणाएं करने का कोई अर्थ नहीं है कि जिससे एक परंपरा का निर्माण हो जाए, क्योंकि महापुरुष जितना पुराना होता है उतना वो नीतू के आचार की तरफ उठी हो जाता है। एक मूर्ति है, तस्वीर है, उसको हर साल महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को निकाली जाएगी, उसको खंगाला जाएगा, साफ किया जाएगा, लगा दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि हमको बापू के रास्ते पर चलना है। और अभी हम जिस रास्ते पर चल के आए महात्मा गांधी का रास्ता नहीं था, तो लौट के जाने के बाद नहीं होगा। इतनी बेईमानी आदमी के साथ हमको नहीं करना चाहिए। एक अप्रिय प्रसंग की चर्चा मैं करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि वो दर्द मेरे दिल में है, इस चंद्रमा पर एक आग है, उसकी चर्चा जो गलत ढंग से न करते सही ढंग से समझने की विकास को जरूरत है। अपने बड़े भाई के दबाव के कारण जब उनका राष्ट्रपति का मन करना चला कि अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो मैं आत्महत्या करूंगा, माधव जी को एक खेतनामा लिख करके देना पड़ा, वो बाहर आए तो राम पिता जी को किस तरह माना, राम के ऊपर के निर्वासन को लेकर क्या क्या नहीं लिखा जा रहा है। कृष्ण ने युधिष्ठिर से जब अश्वत्थामा के बारे में झूठ बुलवाया उसके सजा कृष्ण को युधिष्ठिर दोनों को बढ़ोनी पड़ी। वीर सावरकर ने भी कुछ परिस्थितियों के चलते माफीनामा लिया और जेल से बाहर आए। 1857 की लड़ाई को लेकर हमारा महाकवि असदुद्दीन खान मालिक, उसको भी पूरी बातें ठीक से समझ में नहीं आई थी, वो एक कवि था, इतिहास का कोई विद्यार्थी या राजनीति का योद्धा नहीं था। ऐसे बहुत से इतिहास की घटनाएं हुई हैं। एक लेखक, एक संवेदनशील विचारक, एक मध्य वर्ग का ऐसा व्यक्ति जिस पर पूरे परिवार का बोझ है, एक मध्य वर्ग का ऐसा व्यक्ति जो पूरे छत्तीसगढ़ के संस्कार का शिक्षक पर बोझ है, उसके जीवन के सामने एक योद्धा है। अगर मैं अपने भाई की बात नहीं मान रहा हूं और मेरा भाई अगर आत्महत्या करेगा तो सारे जीवन में मेरी आत्मा मुझे कचोटती रहेगी, मुझे सालती रहेगी, मुझे तकलीफ देती रहेगी। और अगर मैं भाई की बात मानता हूं तो मेरे चरित्र पर, मेरे चेहरे पर कलंक लगेगा कि मैंने माफी मांगी। माता राव सपने उस महान आदमी का नाम है कि जिससे अपने अपनी आत्मा से प्यार करने वाले भाई की इज्जत, उसकी जिंदगी की रक्षा करने के लिए अपने चेहरे पर जान बूझ कर कलंक बोल दिया, इसको भी माता राव सपने कहते हैं। और यही बात वाल्मीकि ने रामायण में राम के रूप से कहवाई। राम को जब पूछा आई तब पूछा गया कि तुम लक्ष्मण को जब पूछा आई तो राम लक्ष्मण को लेकर इतने परेशान क्यों हो, तब वाल्मीकि ने कहवाया राम के रूप से कि लक्ष्मण अवश्य सही आत्मा, लक्ष्मण मेरी बाहरी आत्मा है। माता राम सपने न केवल बड़े लेखक थे, इतिहास के रूप से बड़ा भाई की घोषणा के लिए सबके लिए बहुत मुश्किल है, ये बात नहीं होना चाहिए। और इसलिए मित्रों मैंने जो कहा, मैंने अपने एक तरह ईमानदारी से कहा, संभव है मेरी बातें कुछ कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह का काम मैं करता हूँ उसमें विनम्रता से बात करने के लिए पैसे नहीं,
مجھے خوشی ملی. لیکن ایک بات اپنے پیشے کی قدم اٹھا کے آ کے کہتا ہوں کہ جب کبھی میں بنا کسی کو قدمہ لگتا ہوں تو میں چھوڑ دے دیتا. مادھولوجی کے لیے میں نے بھی چھوڑ دی بولا.